वेलकम टू ओम सर फिजिक्स, वेब फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स विच इज बेस्ड ऑन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस विच इज न्यू एंड अप्लाइड फ्रॉम 2020-21। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाए थे कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स, कुछ इंट्रोडक्शन था एंड हमने आपको पढ़ाया था काइनेमेटिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी। फर्स्ट दो लेक्चर बच्चों इन्फॉर्मेटिव थे, ये जो थर्ड लेक्चर है यहाँ से प्योर कॉन्सेप्ट्स आपके स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे डेरिवेशंस भी पिक्चर में आ जाएंगे। सो इफ सपोज आप इमेजिन करते हो पूरे फिजिक्स को जैसे हम बता रहे हैं, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद द फिजिक्स। देखो आज के लेक्चर में हमें बच्चों डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने हैं। डायनेमिक्स मीन्स यहां से बच्चों आते जाएगा फोर्सेस, ठीक है, फोर्स पिक्चर में आएगा। देखो फर्स्ट वन इज सेंट्रिपिटल फोर्स, टेंथ में भी कहीं तो भी आपने सेंट्रिपिटल सुना होगा, बट मैं आपको प्योर समझा तो ये क्या है। इफ सपोज दिस इज पार्टिकल, अगर पार्टिकल बच्चों ऐसे ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इफ मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करवानी है तो मुझे एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है इसकी। इफ सपोज मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है तो मुझे एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, किस तरफ, जिस तरफ सेंटर है, मींस मुझे जिस तरफ घुमाना है उस तरफ एक्सेलरेशन देना पड़ेगा बच्चों। इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, एंड ये तब जरूरी होता है व्हेनेवर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा, सर्कल के अंदर मूव करेगा, तब ये एक्सेलरेशन नेसेसरी है बच्चों। इस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और माइनस ओमेगा वी और माइनस वी स्क्वायर बाय आर, मीन्स ये डायरेक्शन के साथ अगर लिखते हैं तो आगे वेक्टर भी लिखना पड़ता है आपको। सो ये फॉर्मूलेस के पहले सिलेबस में डेरिवेशंस थे, अभी तो आपको ट्वेल्थ के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो अच्छी बात है अगर आपको डेरिवेशन हार्ड जाते हैं तो, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझते जाओगे कॉन्सेप्ट को, आपको हार्ड जो डेरिवेशंस है वो भी बच्चों ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन अभी हमने समझाया विच इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा बच्चों, कोई ना कोई फोर्स होगा, विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, मीन्स देयर मस्ट बी वन फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन। सो बच्चों इसी फोर्स का नाम होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, द फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, एंड रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इतना इज सेंट्रिपिटल और रेडियल फोर्स, एंड ये फोर्स बच्चों नेसेसरी है फॉर सर्कुलर मोशन। अगर ये फोर्स ना होता तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाता, तो देयर इज वन फोर्स विच प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड ये जो फोर्स है ये अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स ये कोई तो भी एक सेपरेट स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स ही है, नहीं बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज नॉट स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स। जैसे अपवर्ड फोर्स होता है जो ऊपर लगता है, डाउनवर्ड फोर्स होता है नीचे लगता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा इट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो क्या सेंट्रिपिटल फोर्स कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स है? नहीं, इट इज सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन इट इज स्पेशल, न्यूक्लियर स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, बट सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज नॉट स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब इफ सपोज मैं फॉर्मूला ढूंढना चाहूँ सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए, तो इफ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v, देन सेंट्रिपिटल फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन यहाँ पे डाल दो, सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे और एक डाउट आएगा, कौन सा, कि सर ये माइनस कहाँ से आया, माइनस क्यों लिख रहे हैं हम? बच्चों याद रखना, इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग वन सर्कल, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव लेते हैं, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। विच वन, द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इफ वी आर कंसिडरिंग वेक्टर्स देन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज निगेटिव। दैट्स व्हाई सेंट्रिपिटल फोर्स ये सेंटर की तरफ है बच्चों,
तो रेडियली इनवर्ड है, दैट्स व्हाई हम माइनस लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको एक वेक्टर नोटेशन भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्मूलाज में लिख सकता हूँ। इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस फॉर्मूला इन मैग्नीट्यूड, सो देखो मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो माइनस का मैग्नीट्यूड भी प्लस आता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आई कैन राइट ओमेगा एज वी बाय आर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था v इक्वल्स टू r ओमेगा, सो ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाय r, सो m r v बाय r होल स्क्वायर, सो m v स्क्वायर बाय r, बच्चों ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला आ जाता है क्योंकि वन आर गेट कैंसल्ड, एक r बाकी रहेगा, और दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज m r ओमेगा इंटू ओमेगा, तो r ओमेगा कैन बी रिटन एज v, सो m ओमेगा v भी बच्चों हम इसे लिख सकते हैं, याद रहेगा ये। एंड ये एक रियल फोर्स है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने रियल सूडो बताया था ना, तो सेंट्रिपिटल इट इज रियल फोर्स, और आगे एक आता है सेंट्रीफ्यूगल, इट इज नॉट रियल इट इज सूडो, ठीक है। देखो अब फिजिक्स में जितने भी यूनिट समय पढ़ने हैं, और जहाँ पे भी बच्चों आपको सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा हो, इफ सपोज आपको डाउट है कि सर बताओ यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जब तक पॉसिबल है तब तक मैं रिप्लाई करूंगा कि बच्चों देखो यहाँ पे ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल मेरी तरफ से भी आपको बता रहा हूँ, आपने घर पे सोचना कि अच्छा ये सर्कुलर मोशन है तो कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो इफ व्हीकल इज टर्निंग ऑन अ रोड, जैसे इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बाय मोटरसाइकिल, ठीक है, आप अगर टर्न लेते हो बच्चों हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो ये जो आर्क एक बनेगी, आर्क बनेगी ना एक, ये आर्क कोई ना कोई एक सर्कल होगा बड़ा सा, उसकी आर्क होगी ये, मीन्स वी आर परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन, हम सर्कमफेरेंस के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। एंड If we are performing circular motion, there must be one force which is providing centripetal force. अगर ये force नहीं होता बच्चों तो हम ऐसा turn ही नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी velocity change होती जा रही है ना। एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो 50 की speed से travel कर रहा था, बेटा तेरी स्पीड कांस्टेंट है 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड, इट इज कांस्टेंट, बट सिंस बच्चा तू डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सो योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, तो इस चेंज के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स बच्चों रिक्वायर्ड है, विच इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड ना होता तो आप बच्चों टर्न ही नहीं ले पाते। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इफ अगर समझो आप देखते हो रेनी सीजन्स, तो रेनी सीजन्स के अंदर रोड थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले तो चांसेस है स्लिप होने के, आप देखते भी होंगे स्लिप होती है, रेत के ऊपर ऐसे होता है, सैंड के ऊपर स्लिप हो जाती है गाड़ी, ये है कॉन्सेप्ट, याद रहेगा ये। नेक्स्ट इफ सपोज आपने एक स्ट्रिंग ली है एंड उसके एंड को एक बॉब अटैच किया, एंड यू आर वर्लिंग दिस स्ट्रिंग एंड बॉब इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और आपके मन से कोई भी एक सर्कल में आप रोटेट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल के भी क्वेश्चन है, ऐसा रोटेट कर रहे हो तो कोनिकल पेंडुलम, ये भी कंसेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा बच्चों फिजिक्स में, ठीक है, एंड वर्टिकल वाला भी कंसेप्ट है हमें, तो इस केस में कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है बॉब अपना, ठीक है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई टेंशन, कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों, टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है विच इज टेंशन, टेंस होती है ना स्ट्रिंग, स्लैक स्ट्रिंग है तो टेंशन नहीं, टेंस स्ट्रिंग है तो टेंशन, तो ये जो टेंशन है बच्चों इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। इफ सपोज स्ट्रिंग टूट गई तो क्या होगा, क्या पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, नहीं, इट विल फ्लाई टेंजेंशियली, वो टेंजेंशियली फ्लाई करेगा बच्चों, ठीक है। इफ सपोज मींस क्या हो गया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों, टेंशन ही नहीं, तो ये फोर्स चाहिए ही चाहिए, सो जब भी हम ऐसा वर्ल्ड करेंगे टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है तो आप बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर सैटेलाइट का मोशन आप चेक कर रहे हो, इफ दिस इज अर्थ, सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग जस्ट लाइक दिस सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, देयर आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा अर्थ की तरफ,
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दिस सैटेलाइट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, अर्थ एंड दो मासेस के बीच में जो होता है, आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, स्टेट बोर्ड की किताब में फर्स्ट यूनिट है बच्चों टेंथ में। एंड दोज हुआ स्टडिंग, जिन्होंने स्कूलिंग की है CBSE से, उनको नाइन्थ में एक यूनिट है टेंथ नंबर का ग्रेविटेशन, उसमें भी आपने देखा होगा कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इफ सपोज अर्थ ने खुद का ग्रेविटेशन लूज कर लिया तो ये ऐसे नहीं घूमेगा, इट विल फ्लाई टेंजेंशियली, वो फ्लाई कर जाएगा, याद रहेगा ये। नेक्स्ट, आपने एटम की स्टडी की होगी, डाल्टन मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब कुछ मॉडल स्टडी किए होंगे। फिर आपने ये सुना होगा कि ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं। इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग इन सर्कल, देयर मस्ट बी वन फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। आपने ये लर्न किया होगा ना, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। न्यूक्लियस है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स है ना उसके अंदर, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो सेंटर की तरफ होगा, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर दी सर्कुलर मोशन। सो याद रहेगा बच्चों ये कॉन्सेप्ट। अब हाँ, कुछ बच्चों को एक और डाउट रहता है कि सर सेंटर की तरफ है तो सर्कुलर ही होना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर की तरफ फोर्स है तो सर्कुलर मोशन ही होगा। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, आपको आगे चल के एक सेवंथ यूनिट है ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन नाम के सेक्शन में दिया है। वहाँ पे इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग जस्ट लाइक दिस ऑसिलेटरी मोशन, तो वन फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ मेन पोजिशन की तरफ एक्ट होता है, बट पार्टिकल सर्कल के अंदर तो नहीं रोटेट हो रहा, तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, हर बार सेंटर की तरफ फोर्स है सर्कुलर है, नहीं, बट सर्कुलर है तो सेंटर की तरफ फोर्स होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, एंड उसी को इक्वेट करके हम आगे के आपको टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको आसानी जाएगी। आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूलाज एंड ये कंसेप्ट। अब ग्रेविटेशन 11th में है, बाकी जितने भी ये दो कंसेप्ट तो इसी यूनिट में है। कुछ आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिलते हैं कंसेप्ट, साइक्लोट्रॉन का एक कंसेप्ट आता है बच्चों मैग्नेटिक्स के अंदर, वो भी है आपको सिलेबस में, वो भी हम पढ़ाएंगे। सो ये लेक्चर अच्छे से पढ़ लो आप। नेक्स्ट इसमें मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो बच्चों, अगर समझो आप मेरी गो राउंड में ट्रेवल कर रहे हो, खुद की आँख बंद कर लीजिए, महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि आप खुद रेस्ट पे हो, क्योंकि आपका एंड सेंटर का डिस्टेंस कम तो नहीं हो रहा है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल कि आपने आँख बंद कर ली, सेंटर की तरफ तो फोर्स है, आपने तो सेंटर की तरफ ट्रेवल करना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए। बट हम इसे बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड फोर्स कंसीडर करते हैं, विच इज सूडो फोर्स, विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेटेड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वजह से जो आता है, इसे हम नाम देते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज नॉन रियल फोर्स बट इट इज नॉट इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नहीं है बच्चों, नॉन रियल है बट इमेजिनरी नहीं है, इट इज सूडो फोर्स। एंड देखो, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कुछ कह सकते हैं, द फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रिजल्टेंट रियल फोर्स बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे अभी हमने समझाया, रियल फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि रियल है, सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, बहुत सारे फोर्सेस का मिला के भी रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख के भी दिया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेस, सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, सारे जितने भी रियल फोर्सेस है सबको मिला दो, इट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। बट इन सब रियल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए द सूडो फोर्स रिक्वायर्ड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड ये अराइज होता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वजह से ये अराइज होता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बच्चों आपको सूडो फोर्स पढ़ाया है, जैसे लिफ्ट एक्सेलरेट अगर होती है अपवर्ड तो हमें दिखता नहीं, बट एक सूडो फोर्स मान के चलना पड़ता है MA डाउनवर्ड्स। ठीक है, वैसे ये सूडो फोर्स जो है ये अपोजिट लेना होगा सारे रियल फोर्सेस के। रियल फोर्सेस विच आर सेंट्रिपिटल किस तरफ है बच्चों, सेंटर की तरफ, इट इज नॉन रियल, इसके अपोजिट में लेना होगा,
जैसे हमने एम ए भी अपोजिट में लिया था लास्ट लेक्चर में, वैसे जिस तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स है, रियल फोर्स है, उसके अपोजिट में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना होगा, सूडो फोर्स। तो ये आएगा बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आर। मीन्स सिर्फ यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, क्यों पॉजिटिव आया, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को हमने बच्चों पॉजिटिवली ले लिया। इफ मैग्नीट्यूड वाइज में अगर लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर बच्चों हम इसे लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, और हम इसे लिखेंगे एम ओमेगा वी। मीन्स जितना सेंट्रिपिटल के लिए फॉर्मूला है उतने ही फॉर्मूलेज एंड वैसे ही फॉर्मूलेज सेंट्रीफ्यूगल के लिए आते हैं, बट मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किस तरफ लगता है ये, अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। डिफरेंस भी आपको लिखने आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो आप अच्छे से जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए उससे डिफरेंस अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो रिजल्टेंट फोर्स इट इज सेंट्रिपिटल, तो रिजल्टेंट को मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर मीन्स एम ए प्लस सारे रियल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। जैसे हमने इक्वेशन बनाया था पहले, इफ सपोज कार ऐसे एक्सलरेट हो रही है, ठीक है, इस तरफ कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम पीछे एक एम ए लेते थे एंड इसे लिखते थे, इक्वेशन लिख सकते थे। वैसे ही यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख लिया, दीज आर द इक्वेशन फॉर सर्क्यूलर मोशन। तो ये था बच्चों सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। What are the main differences between centripetal and centrifugal forces? देखो, centripetal force, the force which is acting on a particle performing circular motion, which is along the radius and directed towards the center, it is centripetal. The force acting on particle performing circular motion, which is along the radius and directed away from the center, is centrifugal. This is first difference. Second difference, centripetal force is real force while centrifugal force is pseudo force. Centripetal force inertial frame of reference, centrifugal force non-inertial frame of reference. Centripetal force के लिए बच्चों formula आएगा minus m omega square r vector, minus आएगा towards the center, and इस तरफ आएगा बच्चों plus m omega square r. क्या ये आपको याद रहेंगे, और भी डिफरेंसेस आप ढूंढ सकते हो बच्चे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।